मेरी तरह तुम्हें भी शीदे से डर तो नहीं लग रहा? क्या हो गया, पागल हो गई हो माँ? शीदा तो तुम्हारे हवासों पे सवार है, मेरे थोड़ी। मैं तो बस वो आगे का सोच के जरा परेशान हो रही थी, और तो कुछ नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ, वो ना कब तक ही झूठ का लिबादा ओढ़े रखूंगी मैं। नौकरी बदलनी चाहिए, ये घर भी बदलना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके ये करना होगा। जो मलिक दिलावर साहब का कर्जा देना है तुमने वो? हाँ तो क्या है, इतनी को बड़ी बात नहीं, उतार दूंगी मैं। अभी शहर अनजान नहीं रहा मेरे लिए, इतनी ठोकरें खाई हैं कि हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकती हूँ मैं, लौटा दूंगी। क्या हुआ है? माँ हूँ तुम्हारी, जानती हूँ। माँ कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर कुछ होगा भी ना, तुम्हारी बेटी निपटा लेगी। ज्यादा मत सोचो, और ये लाइटें बंद करो, बस सोने का वक्त हो गया। हर वक्त लाइट भी नहीं जली रहनी चाहिए कमरे की। माँ लाइट बंद कर दो। ठीक करती हूँ। सादगी से क्यों, मैं तो ग्रैंड फंक्शन करूंगी, और पता है पापा ने गजल नाइट का भी प्लान किया हुआ है। मतलब ये फंक्शन सारी रात चलेगा? क्या जरूरत है, सादगी से भी कर सकते हैं। कम ऑन यार, हमारी मंगनी है और फिर एक ही दिन की तो बात है। के हालात देखो प्लीज दिलावर, एनजीओ चला तो रही हूँ और क्या करूँ। एनजीओ चला रही हो लोगों के फंड से सियासी शोहरत के लिए, इसमें हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? तुम्हें मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है। जानता हूँ, मुझे कन्विंस करना मुश्किल। जानते हो तो फिर क्यों कह रहे हो? खैर, मैंने हमारा हनीमून भी प्लान कर लिया है, यूरोप जाएंगे। Excuse me. जी मोहसिन भाई, खैरियत है ना? पुलिस की कॉल आए तो कहाँ खैरियत होती है दिलावर। जानता हूँ, आपका और खैर की घड़ी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास। जानते हो शीदे की जमानत के पीछे किसका हाथ है? चौधरी दस्तगीर का।